तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है जनाब, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ और सिर्फ तारीख। दोस्तों इस समय बहुत सारे स्टूडेंट इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उनके माइंड पे स्ट्रेस आ रहा है कि वो दिन रात यही सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और जिन्हें भी जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, जिन्हें हम पर भरोसा है, वो भी सोच रहे होंगे कि ये फालतू के न्यूज़ देते हैं। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अपडेट होती है हम उसको आपको देते रहते हैं। अब बात आती है कि आपका रिजल्ट अब कब आएगा, 5 या फिर 7? क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट कमेंट कर रहे कि सर हमने उस न्यूज़पेपर से देखा कि 5 तारीख को आएगा, हमने इस न्यूज़पेपर से देखा, यहाँ से मैगजीन में देखा कि 7 तारीख को आएगा। अब बात मेरे भाई आपको आज हम क्लियर कर देते हैं, इसके सिवा आपको कोई न्यूज़ देखनी ही नहीं पड़ेगी, है ना। फालतू के चक्कर में मत पड़िए आप। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सरकार एकदम घटिया है, सरकार एकदम भ्रष्ट है और यूपी बोर्ड तो और भी भ्रष्ट है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर इतना ज़्यादा भ्रष्ट ना होता, आखिर इतने सारे स्टूडेंट परेशान हैं, अब तक तो कोई अपडेट आ गई होती ऑफिशियली। और आपको बता दें दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा आपको UPMSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पर ही अपडेट आएगी, और आज तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं आई है। और फाइनली आज 5 तारीख भी हो गई है, रिजल्ट का कोई पता जाता नहीं, कम से कम इस पर तो कोई अपडेट आ जाता। इसलिए आप परेशान मत होइए, आज हम पूरा सीन क्लियर कर दे रहे हैं, है ना। हमें भी बहुत दुख है इस बात का, और हम हमेशा आप जैसे प्यारे स्टूडेंट के लिए ही हमेशा लगे रहेंगे, और जो बात सच है वही बोलेंगे। हमें किसी से कोई डर नहीं है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, और कुछ नहीं चाहिए। आखिर चुनाव होता है, उसका परिणाम इतना जल्दी घोषित हो जाता है, तो आखिर बच्चों के साथ ही, हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सरकार से मेरा छोटा सा सवाल है। आप कोई वैकेंसी निकालते हो, 5 साल 10 साल में फाइनल करवाते हो, कितने एज ओवर हो जाते हैं, कितने के स्टूडेंट के जो एज ओवर हो जाते हैं, ओवर एज वाले हो जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा होता है जिन्हें फैमिली, क्या होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, कमाने के चक्कर में बाहर चले जाते हैं, कोई कंपनियाँ ज्वाइन कर रहे हैं, किसी का शादी विवाह हो जा रहा है, तो आखिर स्टूडेंट कब तक ये झेलते रहेंगे? आखिर आपके ही साथ ऐसा क्यों होना? इस बात से हम भी एग्री हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है। भाई साहब, पहले आपने 25 से 29 के बीच में डेट दे दिया, उसके बाद अब यहाँ से रात दिन अफवाह चल रही है कि 5 या फिर 7। तो दोस्तों, ना तो 5 के लिए कोई अपडेट है, ना तो 7 के लिए अपडेट है। जो भी अपडेट होगी ऑफिशियली वेबसाइट UPMSP पर होगी मेरे भाई, और अब तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, ये आपको हम क्लियर कर देते हैं। और बाकी जो आपने टेलीग्राम पर देखा, मैगजीन में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, तो वहाँ से हम भी देखकर आपको अपडेट देते थे, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ से यूपी बोर्ड चुप्पी साध कर बैठा है, कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। इस बात को समझ लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है कब आएगा कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पता। और ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड वीक में आने वाला है आपका, ठीक है ना, सेकेंड वीक जून के, लेकिन उसके लिए भी कोई अपडेट नहीं। आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही कोई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आता है, तुरंत ही हम आपको सूचित कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।